गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो क्या टॉपिक था आप लोगों का हिस्ट्री में? मॉडर्न मॉडर्न चल रहा था ना. रिजल्ट ऑफ 1857 सर. अच्छा 1857. ओके. और उसमें एक काज बनाते थे पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज, सोशल एंड रिलीजियस काज. ओके. तो अर्थ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल और ये और एक और थे मिलिट्री डेट. तत्कालीन कारण सैन्य कारण ये सारे सकते हैं. हाँ राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण. ठीक है. जो जो तात्कालिक कारण थे वो आपको पता ही है क्या थे. तो जब भी कभी पूछेगा तो आपसे ये सारे कॉन्सेप्ट को लेके पूछेगा. इसे पहला इसमें है पॉलिटिकल रीजन या पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण. तो राजनीतिक कारण में क्या है बताएं. राजनीतिक कारण में यही है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स भारतीयों के जो स्टेट्स हैं, इंडियन के स्टेट हैं, उन पर ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं. उन पर ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं. तो इनके जो राइट्स हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे झांसी की रानी है या नाना साहब है या जो भी रीजनल पावर है, राजा है, उनके ये अधिकार को लेना चाहते हैं. ये पॉलिटिकल कारण है. उसके बाद है इसमें इकोनॉमिक कारण. ठीक है. इकोनॉमिक कारण, आर्थिक फैक्टर, इकोनॉमिक कारण. तो आर्थिक फैक्टर का मतलब क्या है कि हाँ ये लोग जो आर्टिशन थे उनको वो छीना गया उनसे वो आर्टिशन का काम, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के जरिए उसको बनाया. ठीक है. जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है. ठीक है. इंडियन ट्रेडिशनल स्ट्री जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो गई. इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो गई. भारत के परंपरागत उद्योग खत्म हो गए. एक तो चीज ये है. ठीक है. तो भारत के परंपरागत उद्योग खत्म हो गए. दूसरी चीज है इन लोगों ने कि हाई रेट टैक्स लगा दिया है ना. हाई रेट टैक्स इम्पोज किया इन्होंने. ये एक आर्थिक कारण में है. हाई रेट टैक्स इम्पोज किया. कुछ लोगों की जमीन उन्होंने ले ली. ठीक है. तो लैंड कैप्चरिंग, लैंड कैप्चरिंग भी इकोनॉमिक कारण था. लैंड कैप्चर जैसे मान लीजिए भील विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, तो कई सारे एरिया में उन्होंने लोगों की जमीनें हड़प ली. तो ये भी एक आर्थिक कारण है. और ये लोग यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ना, जो एग्रीकल्चर है वो अब कॉमर्शलाइज हो गया है ना, एक तरह से कॉमर्शियल हो गया. तो भारत की जो कृषि थी वो एग्रीकल्चर जो था वो फूड ग्रेन नहीं रहा, अब वो कॉमर्शलाइज हो गया, वाणिज्यकरण हो गया, कृषि का वाणिज्यकरण. तो पहला कारण है इसमें इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन यानी भारतीय उद्योगों की समाप्ति. दूसरा कारण है हाई रेट टैक्स, इनकी उच्च लगान दर, उच्च कर व्यवस्था. जैसे रैयत बाड़ी में आपने देखा 50% है. उसके बाद लैंड कैप्चरिंग, भूमि को लेना, भूमि छीनना. उसके बाद था इसमें एग्रीकल्चर कॉमर्शियल, जो भूमि थी वो, जो कृषि हमारी थी वो वाणिज्यिक कृषि हो गई. अब वो फसलें ज्यादा उपजाई जाने लगी जिसकी जिसकी यूके में डिमांड थी, उन क्रॉप्स को ज्यादा उपजाया जाने लगा. उसके बाद सेम चीज यहां पर एक और थी, वो ये थी कि इंडिया इज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर नाउ. ठीक है.
रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। अब जो भारत है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हो गया, यानी कच्चा माल उत्पादक हो गया। तो ये सारे आर्थिक कारण थे, है ना। और सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, सामाजिक कारक कौन से थे? सामाजिक कारक जैसे इन्होंने पहला कारक था कि बैन सती प्रथा, बैन सती ट्रेडिशन, सती कस्टम, सती कस्टम। तो सती कस्टम पे उन्होंने बैन लगा दिया, सती प्रथा थी वो बैन लगा दिया, ठीक है। बैन चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बैन चाइल्ड मैरिज यानी क्या कहते हैं, बाल विवाह पर रोक लगा दी। स्टार्ट विडो मैरिज, विडो मैरिज, विडो मैरिज यानी क्या बोलते हैं, विधवा विवाह की शुरुआत करवा दी। तो ये सारे और कई सारे इन्होंने कि हिंदू जो कल्चर था उसको मॉडर्न करने की कोशिश की, कल्चर चेंज इनटू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, यानी आधुनिकीकरण की तरफ मॉडर्निंग की। उसमें कई लोग थे जो आधुनिकीकरण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस समय के, आज भी नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। ये तो 57 की बात है, आज भी नहीं कर पा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन को, बहुत लेवल के बाद, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन दोनों तरफ थी। तो ये था आपका सोशल इंपैक्ट, सोशल कारण। ये भी लोगों को लगा कि यार ये तो गलत बात है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे जो ट्रिपल तलाक वाला केस था, ठीक है, तो ट्रिपल तलाक को भारत सरकार ने बैन किया, रोका। तो इसपे क्या है, जो मुस्लिम कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनको ये लगता है कि हमारे कल्चर को ये लोग हिट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक। अब ये बात अलग है कि वो सही है या गलत है, ट्रिपल तलाक सही है गलत है। ट्रिपल तलाक को गवर्नमेंट समझ रही है, लेकिन समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश नहीं कर रही। ट्रिपल तलाक को हर कोई समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी समझ रही है, लेकिन तीनों लोग समझाने की कोशिश नहीं कर रहे किसी को। उसका रीजन ये है कि जो भी रिलीजन में है वो कभी गलत नहीं होता है, उसके बाद गलत उसका यूज होता है। कभी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि कोई भी आदमी खेत से आएगा और बीवी को बोलेगा तलाक तलाक तलाक, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, वो ऐसे नहीं होता। उसको कई सारे रीजन दिए जाते हैं कि तलाक हम क्यों ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कोई बिना मर्जी से कोई लड़का आया 25 साल का, उसने लड़की अपनी बीवी को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। तो ये चीजें प्रोसेस सरकार नहीं समझाना चाहिए। तो ऐसे तो बाकी कम्युनिटी में भी है, कोई भी लेडी जिसकी शादी हो चुकी है वो जाके कोर्ट में मतलब ये नोटिस दे सकती है कि आई वांट डिवोर्स, तो वहां से भी हो जाता है वो, है ना। उसमें तो कोई कोर्ट में तो फैमिली इन्वॉल्व भी नहीं होता है, लेकिन जो तलाक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होता है, रिलेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं, और जो रिलीजियस लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तीनों चारे होते हैं, फैमिली भी होती है, रिलेटिव भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं। और अदर रिलीजन में अगर बात करें हिंदू धर्म में, तो सीधे लड़का लड़की दोनों जाते हैं कोर्ट में, कागज देते हैं, वहां पे साइन हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। तो कोई वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी रीजन नहीं देना पड़ता है, बस हमें नहीं रहना साथ में, इतना बोलना है और साइन कर देना है। और यहाँ आपको तलाक तलाक बोलने से पहले कई सारी चीजों को बोलना पड़ता है, मतलब चीजों को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, कई सारे। जैसे मान लीजिए अगर कोई पहली पत्नी है, ठीक है, उसके बच्चा नहीं है, तो दूसरी शादी करना चाहता है पति, तो पहली पत्नी इसको इजाजत देगी तभी दूसरी शादी कर सकता है। चार शादी अलाव जरूर है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से चार शादी कर देगा वो। तो पहली पत्नी जब तक यस नहीं करेगी तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता,
यह है इस्लाम में। तो वही चीज थी, वो सेम चीज यहाँ पर है कि अब इन्होंने सती प्रथा को तो ये बैन किया है, रोका है, और चाइल्ड मैरिज को शुरू किया था वो भी रोक दिया है, और विडो मैरिज को इन्होंने स्टार्ट करवा दिया है, और ये है। तब जैसे ये चीजें हैं तो बहुत सारी बातें हैं, इसका भी मिसयूज हो जाता है ना, इसका भी मिसयूज होता है ना, चाइल्ड मैरिज का मतलब विडो का मिसयूज होता ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी हुई है और उसको पता है कि हमारे पति के मरने के बाद हमारी शादी हो जाएगी, तो अगर वो उसको कैसे भी गलत तरीके से या कैसे भी शादी कर लेती है और वो अपने पति को मरवा देती है, मार देती है, उसको पता है मेरा रास्ता खुल जाएगा और जगह जाने का, तो उसकी इस चीज का मिसयूज भी हो रहा है। और वही चीज यहाँ पर है, वैन चाइल्ड मैरिज भी सेम चीज है। तो ये सारी सोशल बुराइयां थी, और कभी भी हमें कि ऐसा कभी नहीं होता है कि चीजें सही और राइट और रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, ये कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। या तो चीजें सही गलत दोनों होती हैं। और सती प्रथा की शुरुआत कब से हुई है? सती प्रथा की शुरुआत हुई है 5वीं सदी में गुप्त काल के चरण में ये हुई है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर थे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपको बता दिए हमने, ठीक है। और कंटेम्परेरी सर, हम लोग अपना, अगर हम लोग अपने संस्कृति में कहीं देखे, अगर चाहे वो लॉर्ड से लेके कहीं पर, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई अगर कोई विडो हो जाता है तो सती होता है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। नहीं तो बैन कर दिया, अब तो होना ही नहीं है, अब तो ये 1828 में, मतलब जैसे जो बोलते थे सर कि ये परंपरा है, ये चली आ रही है भगवान से, ये सब चीजें गलत थी, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर हम महाभारत भी देखते, चाहे वो बनावटी हो, तो उसमें कितने सारे लोगों के हस्बैंड खत्म हो गए थे, लेकिन ये उसमें ये नहीं था कि उनकी पत्नियां असती हो गई थी, वो चलती थी आगे, तो ऐसा स्थिति था ही नहीं, ये सब बाद में हुआ। मतलब ये बहुत सी चीजें इस पे, देखो मैंने क्या बोला, कोई चीज सही या गलत नहीं हो सकती, सही या गलत, चीजें गलत और सही दोनों होती है, गलत और सही, है ना, ये बहुत एक अलग सी, अलग लेवल की बातें हैं। अब कोई भी चीज सोसाइटी की गलत लेकर आ जाइए, हम चाहें तो उसको सही प्रूफ कर देंगे, एकदम कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि चीजें हमेशा यहाँ गलत या सही नहीं होती है, ब्लैक और व्हाइट नहीं है, है ना, कहते हैं चीजें यहाँ पर ब्लैक या व्हाइट ऐसी नहीं है, यहाँ पे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से चीजें हैं, ये नहीं है, ये है ब्लैक एंड व्हाइट, तो वही बातें हैं। खैर, नेक्स्ट है इसमें देखो, एक बार एक क्वेश्चन बना था कि जौहर जो सिस्टम था इंडिया में वो कैसे सही था, है ना, जौहर सिस्टम क्यों सही था, तो इसको अगर आपको बचाना हो, अगर आपको उसको, आपको फेवर करना हो, तो कैसे करोगे? जौहर प्रथा जानते हैं? नो सर। जौहर प्रथा ये राजपूतों में होती थी, और जैसे मान लीजिए कि राजपूत किसी से युद्ध लड़ने गए हैं और युद्ध में वो हार गए, राजपूत हार गए हैं या युद्ध में मारे गए हैं, तो उनके जो फैमिली की महिलाएं थी वो सामूहिक सुसाइड करती थी, है ना, और सामूहिक आत्मदाह करती थी, जल जाती थी, ये पद्मावत में दिखाया गया होगा शायद सीन, मैंने देखी नहीं लेकिन जरूर दिखाया गया होगा कि वो महिलाएं जाती हैं और आग जलाती हैं बहुत बड़े जगह पे, और सारी महिलाएं उसमें कूद जाती हैं, उसको जौहर प्रथा कहते हैं, जौहर प्रथा। तो इसको आपको अगर सही प्रूव करना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नॉर्मली बोलोगे नहीं यार आग में कूद जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा उन्हें पॉजिटिव दिखा होगा, है ना, जिसने सुसाइड की
उसको ऐसा लगा होगा जिंदगी से बेहतर है वो, तभी तो उसने सेलेक्ट किया। आदमी हमेशा बेहतर को सेलेक्ट करता है, तो कुछ तो उस उन लोगों को अपनी मौत में जिंदगी से बेहतर दिखाई दिया होगा, है ना, तभी हुआ होगा। वैसे तो नहीं, गलत रास्ता कभी नहीं चुनता आदमी, ये बात ध्यान रखना, गलत नहीं चुनता है। बस जो चीजें हमें दिखाई देती है गलत, वो किसी को दिखाई गलत नहीं देती, वो सही देती है। तो जो व्यक्ति ऐसे करता है, देखो सिर्फ एक ही चीज है इसमें, वो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ मदरहुड। जो मदरहुड की फीलिंग है उसको बहुत बड़े लेवल पे हमें इंस्पायर अपने अंदर जगाए रखना है। यही चीज राजपूतों में थी, मतलब हमें किसी भी लेवल पर, देखो एक बात तो ठीक है कि हम अपने, हमारे जितनी दुनिया बड़ी है उसमें सारे लोग हमारे जैसे नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो हम पर आक्रमण भी करेंगे। अगर हमें हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, तो आप अगर आप देश की रक्षा से ज्यादा अपनी जान की परवाह करेंगे तो अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब देश और जान दोनों की बात आती है तो आदमी हमेशा ऊपर अपनी अपने देश को रखता है, जान को नहीं रखता। तो वही चीज है, अगर मान लीजिए हम राजपूत हैं और हम फैमिली में हैं और हम आवारा घूम रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना हम कुछ सीख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही एकदम रशिया बने घूम रहे हैं, तो हमारे अंदर नेशनहुड की फीलिंग नहीं आएगी। जब हमारे अंदर ये फीलिंग होगी कि यार कभी आक्रमण हुआ तो हम मारे जाएंगे, उसके बाद हमारे घर की फीमेल्स का क्या होगा, हमारे घर की सारी फीमेल्स आग में जलकर मर जाएंगी। तो इस डर से वो जो खाली घूम रहा है आदमी, वो एक्टिव हो जाता है और वो सीखता है, चाहे वो युद्ध कौशल हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी, अपनी अपने देश के लिए मरना गलत नहीं होता, क्योंकि जब वो फीलिंग नहीं रहेगी तो कोई भी हमें खत्म करके चला जाएगा। तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से उन राजपूतों में या जो भी लोग थे उनको एक पुश फैक्टर था उनके लिए कि नहीं यार, एक छोटा बच्चा है जो देख रहा है अपनी माँ को जलते हुए, उसके मन में जिंदगी भर ये चीज रहेगी, मैंने अपनी माँ को जलते हुए देखा है, मुझे अपने 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 राज्य की रक्षा करनी है। तो उसके अंदर खुद से खुद भी इंस्पायर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही जरूरत है उस एरिया की। तो आपको कई चीजें समझानी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा तो बाकी तो सारी चीज हमने एक बार कर ली थी, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और ये तो हो गए थे ना, जैसे नाना साहब ये हम लोगों ने शायद टॉपिक कर लिया था आपको, नाना साहब और लक्ष्मीबाई, है ना, और कुंवर सिंह। अच्छा कुंवर सिंह कहाँ के थे सर? यूपी, बिहार के। बिहार के थे, ठीक है। तो तीन के ही नाम पूछे जाते हैं ज्यादातर, और उसके बाद है हजरत महल, हजरत महल। हाँ, हजरत महल कौन है सर? यूपी की कोई अवध, है ना, अवध की जो नवाब है उनकी माँ है, क्योंकि वो नवाब है, उनकी उम्र कम है, तो हजरत महल ही नवाब। हजरत महल का एक ड्रेस रखा हुआ लाल किला में, कभी आप आएंगे तो देखेंगे कि हजरत महल बहुत सारे ड्रेस देखे सर, मैंने देखे वहां पर बहुत सारे ड्रेसेस। हाँ, बहुत सारे ड्रेसेस हैं, जो लेडीज कॉस्ट्यूम है, काफी लंबा सा है वो, और तो ही नहीं हजरत महल का है, शायद लिखा भी होगा, मैंने देखा नहीं, सुना है तलवारें भी थी उसमें सर। हाँ, तलवारें वगैरह सारा कुछ, जो भी चीजें थी उनके। तो नाना साहब कहाँ थे, से कहाँ से थे? ये कानपुर से कर रहे थे, कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब, और लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, है ना,
और कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे और हजरत महल लखनऊ से कर रही थी। ठीक, तो ये लोग थे जो लीड कर रहे थे। तो ये था, उसके बाद ये तो था आपका 1857 का विद्रोह, हार गए ये लोग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के हारने के बहुत सारे रीजन थे, है ना, बहुत सारे रीजन। तो लिख लीजिए 1857 के विद्रोह के हारने के कारण। ठीक है, कॉज ऑफ लूज ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये क्या क्या फैक्टर थे जिसके हम हार गए, है ना, फैक्टर ऑफ लूज 1857 रिवोल्ट। तो कौन कौन से वो फैक्टर थे जिसको हम हार गए थे बताएं। सबसे पहला था उसका अंकिता का सर इसमें आईबी में लग गया है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो अंकिता थी ना जो मेरी सिस्टर है, उसने उसका इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। कल ही मतलब हो गया था, मुझे कल बताई 2-3 दिन पहले, अभी फरवरी में उसका एग्जाम हुआ था तो हो गया, अभी खाली फिजिकल होना बाकी है बस। तो उसकी हाइट वाइट अच्छी है, वो चेक करते हैं ना, हाइट भी रहता है और उसके बाद आपका कोई ऑपरेशन ना हुआ हो वो सब कुछ देखते हैं शायद। नहीं, आई भी अच्छा एग्जाम है, उसमें गर्ल्स को ज्यादातर नहीं लेते हैं, तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना उसमें उसकी, मैंने तो कई सारे अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, स्टूडेंट को भी देखा है, तो थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से कर ले तो उनका हो जाता है गर्ल्स का। और वो SI का भी की थी, उसमें भी आया था बट उधर वो गई नहीं क्योंकि वो IAS केस में आ गए थे, क्योंकि उसका इंटरव्यू वो आने का था, उधर उसने कैंसिल कर दिया उसको। तो ये IB का आया तो बोलती अब मैं ज्वाइन करूंगी, UPSC करेंगे अपनी जगह, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो अंकिता को फिर काम मतलब थोड़ी जरूरत भी थी जॉब की, घर से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहला लिख लीजिए फैक्टर ऑफ लूज 1857, क्या क्या कारण थे, कौन कौन से ऐसे वो कारण थे जिनकी वजह से ये लोग हार गए। तो सबसे पहला कारण था लैक ऑफ यूनिटी, है ना, लैक ऑफ यूनिटी। सबसे पहले थी कि इनमें एकता का अभाव था। ठीक है, एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव। Lack of unity, एकता का अभाव, मतलब ये लोग एक नहीं थे, मतलब एक साथ नहीं थे। Lack of leadership, है ना, नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव, यानी कोई प्रॉपर बहुत लीडर नहीं था, कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। ठीक है, मतलब कोई स्पेशल योजना नहीं थी, योजना का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग, योजना का अभाव। उसके बाद इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, यातायात एवं संचार की कमी, संचार की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, लोगों के पास नहीं था। मतलब वो आज की डेट में हम जा सकते हैं पटना से मुंबई, हम जा सकते हैं मुंबई से बेंगलुरु इजली, उस समय नहीं था। उसके बाद उसमें था लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी सहयोग, क्या बोलते हैं, सहभागिता में कमी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता में कमी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता में कमी। तो ये सारे फैक्टर थे। सबसे पहले था लैक ऑफ यूनिटी, यानी ये जो लोग थे वो, इनमें आपस की यूनिटी का अभाव था, आपस में बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी,
चार जैसा हुआ वहां शुरू हो गया। उसके बाद था नेतृत्व का अभाव, कोई लीडर नहीं था, मंगल पांडे ने यूं ही शुरू कर दिया। उसके बाद योजना का अभाव, कोई वेल प्लान नहीं था, कुछ भी कुछ नहीं था, मतलब कोई विजन नहीं था। जैसे हमने पहले बोला था जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, हमने कहा ये इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि ये प्लान है, बहुत अच्छे से प्लान रही है ना, और बहुत बड़े लेवल प्लान किया गया इसको, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल प्लान किया गया इसको। और इसको प्लान ऐसा नहीं है एक दो दिन की प्लानिंग हो, और ये सालों साल की प्लानिंग है। और आपको मैं बताऊं, आपको शायद आगे देखेंगे ये अगले 15 साल तक प्रोटेस्ट रहेगा, अगले 15 साल तक ये मूवमेंट रहेगा, इस मूवमेंट का सर अगले 15 साल। मेरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सर पॉलिटी से है कि अगर किसी राज्य में सीट निर्धारित होती है लोकसभा या राज्यसभा, तो कैसे होती है, जिले के हिसाब से, मतलब जिले के हिसाब से होती है या कैसे होती है, मतलब सीट कैसी, किस सीट की? जैसे कि यूपी में 75 जिले हैं और सीट 80 है, तो कैसे निर्धारित होती है ये? पॉपुलेशन अकॉर्डिंग होती है, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 97 की जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग, अब ये 26 में फिर से चेंज होगी। अच्छा। हाँ, जो राज्यसभा लोकसभा की जो सीटें हैं, जिस किस जिले में, मतलब किस स्टेट में कितनी होंगी? नहीं, जैसे अगर हमको सीट अगर पहचान करना है तो किस हिसाब से करते, जैसे कि यूपी का 80 सीट है और एमपी का थोड़ा अलग ही है, तो कैसे मतलब करते हैं उसको, जनसंख्या के अकॉर्डिंग? देखिए वो क्या होता है कि वो इसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। वैसे ये बोला गया था कि 1 लाख पॉपुलेशन पे या 10,000, हाँ 10,000 पॉपुलेशन पे एक सीट होना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टेट हैं आप देखोगे लिस्ट में तो जहां पर एक एक सीट है, एक एक सीट, कई सारे स्टेट है यहाँ सेम सेम सीट है, एक जैसी सीट है, मतलब कई आप देखोगे लिस्ट में देखोगे उसमें तो लोकसभा में एक बराबर सीट है कई स्टेट में, है ना। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पॉपुलेशन बराबर हो, बस ये है। जैसे कि यूपी में सर 19 करोड़ की आबादी अगर है तो वहाँ 80 सीटें हैं, तो वही मुझे जानना था कि इसको कैसे होता है, कि जिले के अकॉर्डिंग होता है कि क्या होता है? जिले के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये पूरे स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, स्टेट की जनसंख्या के आधार से लिखा जाता है ना, पूरे स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होता है। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है डिलिमिटेशन का, वो अलग होता है। डिलिमिटेशन जो करता है वो चुनाव आयोग करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमन। परिसीमन और सीटों का निर्धारण अलग अलग होता है, परिसीमन इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक कोई एमएलए है या कोई एमपी है जिसके लिए जिसके लिए कुछ मान लीजिए 60 गांव हैं जो उसको वोट डालते हैं, है ना। जब अगली बार इलेक्शन हुआ तो 60 गांव में 15 गांव और जोड़ दिए गए, 60 गांव थे उसमें 15 गांव और जोड़ दिए गए या 5 गांव कम कर दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परिसीमन, और ये समय समय पर चुनाव आयोग करता है, समय समय पर। कभी आपने देखा होगा कि कई बार सुना करे इन एमएलए का एरिया कट के उधर पहुंच गया है, उनका एरिया इधर आ गया, कभी आपने देखा होगा ये चीज, अक्सर आपने न्यूज में सुनी होगी कि उधर यार ये एरिया ना पहले उनके अंडर में आता था विधानसभा में, अभी ये यहाँ तक इस तरफ पहुंच गया, इधर इस तरफ पहुंच गया। तो ये होता है डिलिमिटेशन, ये समय समय पर, एंड ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, इसके अगेंस्ट आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, तो वो इलेक्शन कमीशन जैसे चाहे कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो नेतृत्व का अभाव हो गया, योजना का अभाव हो गया, संचार कमी,
सहभागिता में कमी, इसमें ना बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट फार्मर बिल्कुल अलग थे इसमें, इसमें पुलिस और नेता दो ही लोग थे, यानी जो जो आर्म फोर्सेस थे, आर्म फोर्सेस वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो लोग शामिल थे जो सिस्टम से जुड़े हुए थे, जैसे लक्ष्मीबाई, ठीक, और उसके बाद ये नाना साहब, तो शासन से जुड़े हुए लोग थे, और यूं कहें कि सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल थे इसमें, आम जनता ने पार्टिसिपेशन इसमें नहीं किया था, तो ये था, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है बड़े लेवल पर कि कॉमन पीपल में ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, ऐसा नहीं था। तो अब इसके बाद आया है चार्टर एक्ट, या कह सकते हैं 1858 चार्टर, है ना, चार्टर ये आया एक्ट, ये 1857 अधिनियम आया। देखो 1857 सैन्य कारण भी तो था, सैन्य कारण तत्कालीन कारण है ना, इनिशियली जो है इमीडिएट कॉज है, मतलब वो तुरंत का कारण था सैन्य कारण, तो सैन्य कारण भी सामाजिक में आ जाते हैं, सामाजिक में, आर्थिक में, आर्थिक का मतलब है जैसे भारतीयों को जो इंडियन जो सैनिक है, भारतीय सैनिक है, उनको कम सैलरी दी जाती थी और उनको बड़े पदों पे नहीं रखा जाता था, तो ये उनके आर्थिक कारण भी है। उसके बाद है जो भारतीय सैनिक जो सेवा में आते थे उनका रेस्पेक्ट नहीं होता था, मतलब उनके रिलीजन का रेस्पेक्ट नहीं होता था, ठीक, मुसलमान है कि हिंदू है उससे वो रेस्पेक्ट नहीं करते थे, वो एक तरह से ट्रीट करते थे, तो ये तरह से सामाजिक कारक है। जैसे मंगल पांडे वाली घटना थी, तो मंगल पांडे को यही था ना कि उन्हें किसी ने बोल दिया कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है, तो वो हो गया, ठीक। अब देखिए 1858 का जो एक्ट है, 1858 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें आप समझिए ये क्यों लाया गया था। पहली बात है ये किसकी तरफ से है, द ब्रिटिश की तरफ से, है ना, ये ब्रिटिश की तरफ से चार्टर एक्ट किसको लाया गया था, रेगुलेट ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम इन इंडिया, तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और भारत में ब्रिटिश सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। अब इसमें तीन प्रोविजन क्या क्या किया गया, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं है, उससे बोला अब आप व्यापार नहीं करोगे, अब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है, जो ट्रेड राइट है ना, जो ट्रेड राइट्स थे वो खत्म कर दिए गए। नाउ इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अब ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी शासन की तरह से काम करने लगे। देखो मैंने आपको बोला था कि 1813 एंड 1833 एंड 1858 ये तीनों एक साथ करने होते हैं, यहां से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को कम करना शुरू किया और यहां पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ राइट यहां पर कम किए, कुछ राइट यहां पर कम किए और कुछ राइट यहां पर कम कर दिए, तो ये थे। तो पहला फैक्टर था कि 1858 एक्ट में
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार इधर खत्म कर। दूसरा दूसरा क्या था इसमें, दूसरा ये था कि नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल बी नोन एज अ वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब ये गवर्नर जनरल नहीं था ना, गवर्नर जनरल नहीं है, अब ये वायसराय, वायसराय, ठीक है, अब ये वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। तीसरा पॉइंट था, तीसरा क्या था इसमें, तीसरा जो मेन पॉइंट ये है कि अब ब्रिटिश में जो भारत में जो ब्रिटिश भारत है, यानी भारत के अंदर जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जो एरिया था, जो रीजन था, अब वो ब्रिटेन से कंट्रोल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, जैसे क्या था कि जैसे भारत में कुछ ऐसे एरिया थे, कुछ ऐसे एरिया थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, सपोज करो ना, कुछ ऐसे एरिया थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे। अभी तक इस पे कौन कंट्रोल कर रहा था? अभी तक कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत विल बी कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश भारत अब ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियंत्रित होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी रूल एडवर्स इसमें नहीं बना सकती। ठीक, इसके लिए उन्होंने एक परिषद बनाई, भारत सचिव बनाया, कई सारे चेंज किए उन्होंने। ठीक है, दूसरा था कि ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत विल बी कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल होगा। तो आई थिंक 1858 चार्टर एक्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि तो 1858 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बता दीजिए सर। ये थर्ड वाला क्या है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को नियंत्रित किया जाएगा। ब्रिटिश भारत विल बी कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश भारत विल बी कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, या भारत में अंग्रेजी राज्य को ब्रिटेन से नियंत्रित किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक, एक टॉपिक और देखते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट करना ही पड़ेगा। एक है इसमें INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, हाँ, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कई बार बोला जाता है कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो भारतीय कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो क्यों बनाया गया और क्या उसका प्रभाव हुआ, क्या इसका योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई है 1885 में। ठीक है, 1885 में। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का भारत में रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तो वो बहुत कुछ उन्होंने चेंज किया। वो लोग डर गए थे, बोले अगर ऐसा दोबारा हो गया तो हम बहुत दिन तक भारत में नहीं रुक पाएंगे। ये चीज उनको समझ में आ गई थी। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने जब 1857 विद्रोह हुआ तो वो डर गए इस चीज से, बोले अगर थोड़ा सा भी अगर मैनेज हो जाता
हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ चेंजेस किया अपने सिस्टम में। पहला उन्होंने चेंजेस किया कि अब वो भारत के शासन में भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया, इसी विधि आयोग बनाया। ठीक है, अब इन्होंने अब संरचनात्मक चेंजेस शुरू कर दिए, मतलब पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया भारतीयों का। और पार्टिसिपेशन देने का जो रीजन था उनका, वो एक तो पहला ये था कि वो भारत में कुछ अपने लोगों को अपना बनाना चाहते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किस भारतीय सेना में है या वहां पे अंग्रेजों की ऑफिस में काम करता है या अंग्रेजों के साथ काम करता है ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के अगेंस्ट एकदम नहीं हो जाएगा, कुछ तो उसका रिलेशन होगा। तो जो भारतीयों के मन में था कि लोग विदेशी हैं, तो सबसे पहला काम किया उन्होंने कि इंडियन को पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया ब्रिटिश शासन में। अब वो कैसे दिया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने दिखावा ही किया, लेकिन उसमें दिया। जैसे भारत सचिव बनाया गया तो भारत से बनाया गया, तो प्रशासन की जो पॉलिसी बनती थी उसमें इंडियन को भी शामिल करने लगे पहली बार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था इन्होंने कई सारे स्ट्रक्चर चेंजेस किए और संरचना का विकास किया, रेलवे बनाया, पोस्ट ऑफिस बनाया, बहुत सारे चेंज किए। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप बना दें जो पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट करे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ऐसा ही ग्रुप था, उन्होंने कहा एक ऐसी पार्टी या एक ग्रुप बना दें जो भारतीयों को रिप्रेजेंट करे, जो भारतीयों को मतलब प्रतिनिधित्व करे। तो जो नेशनल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो बनाया गया है अंग्रेजों की तरफ से, वो भारतीयों के लिए नहीं बनाया गया था, भारतीयों को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना था या भारतीयों को सॉवरेन बनाना था, ऐसा नहीं था। पर्पज उनका था कि हम एक ऐसा ग्रुप बना देंगे जिसमें कुछ लीडर होंगे और उनके पीछे जनता होगी। तो जो कुछ लीडर होंगे 2, 4, 5, 10, उनसे हम बात करेंगे और उनसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे और फिर एक बहुत बड़ा विद्रोह होने से बच जाएगा। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व जानते हैं कि जो कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, पूरे कुकर की हवा एक जगह से निकलती है। उसी तरह से अंग्रेजों ने कहा कि हम कांग्रेस को ऐसे सेफ्टी वॉल्व यूज करेंगे, यानी पूरे भारत का जो डिमांड है, पूरे भारत की इच्छा है, पूरे भारत की रिक्वायरमेंट है, वो कुछ लोगों के माध्यम से हमारे पास तक आएगी और हम उसको अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों ने किया। तो जो अंग्रेजों ने यहाँ पे है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ये वायसराय है और यहीं पर उनके सचिव हैं ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम। एच ओ ह्यूम, इस तरह से एच ओ ह्यूम ये सचिव है, सेक्रेटरी है किसके, लॉर्ड वाइस, मतलब लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन कौन है, ये ब्रिटिश शासन में वायसराय हैं, उनके सचिव हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे वो पढ़े लिखे थे और ज्यादा, और भारत को दिल से सपोर्ट करते थे, वो काइंड हार्टेड पर्सन थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बुरा हो। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई और उसका मेन पर्पस था कि कांग्रेस के द्वारा भारतीयों का जो गुस्सा है, भारतीयों का जो डिमांड है, वो हमें कुछ लोगों के द्वारा मिलेगा और हम उसको अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्यार से मानेंगे, रेस्पेक्ट से मानेंगे, लालच से मानेंगे, कैसे भी मानेंगे, हम मना लेंगे। इतना बड़ा मूवमेंट जो रिवोल्ट था वो फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये उन्होंने ऐसा सोचा था। ठीक है, 1858 में कांग्रेस की स्थापना हुई और जो पहला इनका सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन दैट वाज इन मुंबई,
फर्स्ट स्टेशन कहाँ था? मुंबई था। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे मुंबई में पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे, पहले प्रेसिडेंट। स्टेशन मतलब अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ है, और पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे ब्यूमेश चंद्र बनर्जी, ये टेम्परेरी थे, और दूसरे परमानेंट बनाए गए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट है वो दो है, पहले है डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, उसके बाद है, ये टेम्परेरी है, ठीक है, उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी, ठीक है, एस एन बनर्जी। सर इनके विषय में एक बार और रिपीट करिए तो थोड़ा आवाज कट गई थी। हमने ये कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है, और मुंबई में पहला जो अधिवेशन हुआ है उसमें अध्यक्षता की थी जो अस्थाई अध्यक्ष थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो थे ब्यूमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये कुछ बेसिक था कांग्रेस के बारे में। और जस्ट जो वन ईयर, एक साल बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा कि यार ये हमसे गलती हो गई है ना, ये हमसे गलती हो गई, क्योंकि बाद को उन्हें रियलाइज हुआ जो प्लेटफॉर्म उन्होंने एज ए सेफ्टी वाल्व बनाया था वही भारतीयों ने एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का प्लेटफॉर्म बना दिया। अंग्रेज तो चाहते थे कि यहां से भारतीयों का गुस्सा, भारतीयों की डिमांड, भारतीयों की रिक्वायरमेंट सब हमें मिलेगा और हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब भारतीयों को एक ऐसा मंच मिल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से अपनी वो बात रख सकते थे। तो अंग्रेजों को अगली साल रियलाइज होने लगा और अंग्रेज चाहने लगे कि किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। एक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, वो तो कहते थे कि हमारी आखिरी इच्छा है कि हम कांग्रेस को मरता हुआ अपने आंखों से देखें। तो बहुत ज्यादा प्रयास में शुरू में रहे अंग्रेज लोग कि कांग्रेस को खत्म कर दी जाए, लेकिन खत्म नहीं कर पाए, और वही कांग्रेस आगे चल के उनको वो पार्टी बनी जो इनके फाइनल साइन किया या वापस जाओ। 1947 में एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जो उन्होंने अपने लिए बनाई थी वही उनके मेन कारण बन गई। तो अंग्रेजों को ये रियलाइज हो गया था, ठीक है। तो अच्छा, कुछ और है जो सेशन से रिलेटेड फैक्ट हैं, तो तीन चार फैक्ट लिख ही लीजिए, आगे फिर हम लोग कल कर लेंगे। अब देखो आईएनसी क्या है वो तो आप समझ गए है ना, क्यों इसका फॉर्मेशन किया गया था वो भी आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेशन क्यों किया गया था, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी समझ गए आप, इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारतीयों को एक अपना प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, अब उसके बाद जो उनके सेशन थे जो अधिवेशन है उनसे बात हो रही थी। तो पहला अधिवेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद कई और अधिवेशन है, तो इससे कुछ फैक्ट बनेंगे आपसे। जैसे परफेक्ट बनेगा कि हु इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो लिख लीजिए जॉर्ज यूले, लिख लीजिए पहला जॉर्ज यूले द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, बताएं तैयब जी, हाँ बदरुद्दीन तैयब जी, तो लिख लीजिए बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट,
और फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट, गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट, गांधी जी को प्रेसिडेंट कब कैसे बनाया गया बताएं। अब देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी सर? अभी हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा आपका कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी, सॉरी हाँ एनी बेसेंट, ए एन ए आई सर, एनी बेसेंट। उसके बाद है एनी बेसेंट है ये, उसके बाद है पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, हाँ नायडू, सरोजनी नायडू। उसके बाद है सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला। गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट, गांधी जी जो प्रेसिडेंट 1924 में हुए थे और बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव, बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में पहली बार ये बने थे। तो कुछ प्रेसिडेंट से नाम है कांग्रेस से, कांग्रेस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू है। गांधी जी कब बने हैं? तो गांधी जी बने हैं इसमें 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष और पहली महिला, और पहली महिला भारतीय और गांधी जी, इससे ज्यादा आपसे इससे नहीं पूछेगा। ये है। अब कांग्रेस से ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए कल के लिए, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाँ, या बंगाल पॉलिटिक्स ऐसे कर सकते हैं, बंगाल पॉलिटिक्स जो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, इस तरह से कल हम लोग इस पे बात करेंगे। सोशल रिफॉर्म्स कब करेंगे? सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स इसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये कर लेते हैं 1909 तक, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट के लिए किस समय मिलेंगे बताएंगे? साढ़े दस, ठीक है, 10:30 मिलते हैं।